नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल में भीषण गर्मी में सीएम मोहन यादव के दिए गए बयान की, भोपाल में नहीं थमते बदमाशों के हौसलों की, और जालना में मामूली विवाद में हुए खूनी संघर्ष की, तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में जारी लू और भीषण गर्मी के प्रकोप के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लू का प्रकोप बना हुआ है, ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को जल स्रोत जरूर उपलब्ध कराएं, जो भी लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद करें, पौधे पशु आदि पक्षियों को भी कठिन दौर में जल का सहारा दें, ये प्रकृति हमारी है और हमें इसकी रक्षा करनी होगी। नमस्कार, मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए, खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, इस समय बहुत जरूरी है तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो जरूर आप उपलब्ध कराइए, अपेक्षा कर रहा हूँ। पौधे पशु पक्षी प्राणी अलग अलग प्रकार से इस कठिन दौर में अपनी एक तरह से ये पूरे साल की परीक्षा होती है, तो हमारा संवेदनशील तरीका प्रकृति से जुड़ने का भी रहेगा, ये अपेक्षा करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ भोपाल की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां को ग्वालियर के जय विलास पैलेस में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकट प्रकोष्ठ की ओर से डॉक्टर अभिजीत देशमुख और उनकी टीम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा है। देर रात बैरागढ़ थाना क्षेत्र से ऑटो चालक के साथ 30,000 की लूट और मारपीट करने का मामला सामने आया है। ऑटो में नहीं बैठाने पर ऑटो चालक को पीट कर बियर की बोतल से मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया। ऑटो चालक को उपचार के लिए देर रात चिरायु हॉस्पिटल भेजा गया। घायल ऑटो चालक का नाम राजू अहिरवार बताया जा रहा है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर जालना से, जालना में विवाह समारोह में होने वाली हल्दी के कार्यक्रम में डीजे पर नाचते समय धक्का लगने की वजह से दो लोगों पर तलवार से हमला करने की खबर सामने आई है। एक की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वेंकटेश टुकाराम गायकवाड़ निवासी जूना जालना मृतक का नाम है, जबकि आशीष दीपक जाधव गंभीर रूप से घायल है। जालना शहर के शास्त्री मोहल्ले में एक शादी का हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान डीजे लगाए जाने के दौरान डांस करते समय धक्का लगने की मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। वेंकटेश गायकवाड़ को तलवार और लाठियों से पीटा गया, सिर पर तलवार लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आशीष जाधव नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर कदीम जालना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया। घटना की खबर शहर में हवा की तरह फैल गई, जिससे काफी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है। जालनामध्ये शास्त्री मोहल्लामध्ये दोन गटामध्ये थोडा वाद झाला होता, त्या वादावरून मारहाण वगैरे झाली आहे। त्या मारहाणमध्ये एक मुलगा व्यंकटेश गायकवाड म्हणून आहे, तो मयत झालेला आहे, आणि त्याचा एक नातेवाईक आहे तोसुद्धा पण इंजर्ड आहे आणि आता सिव्हिल हॉस्पिटलला ॲडमिट आहे। हा घटनामध्ये आपण गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया स्टार्ट आहे। 7 संशयित आरोपी नाही म्हणू शकतो आपण, आत्तापर्यंत संशयित आहे, त्यांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। एकदा फॅक्ट समोर आला की आपण पुढील कारवाई करणार। सर, घटनास्थळी खूप अस्ताव्यस्त आणि रिक्षाची तोडफोड झालेली, दगडफेकसुद्धा झालेली, हां तशी माहिती पण आहे, तो आपण सगळ्या तपासमध्ये घेऊ। जे काही सखोल इन्सिडेंट झालेला आहे त्याची सखोल चौकशी करून तो आपण इन्व्हेस्टिगेशनच्या पार्टमध्ये, तो शांतता आहे, सध्या शांतता आहे, पोलीस फोर्स पण डिप्लॉईड आहे आणि सध्या पूर्ण शांतता आहे, काही कायदा सुव्यवस्थेचा काही प्रश्न नाही। सर, अजून काय आरोपी सामील होऊ शकतात? होऊ शकते, ते आता FIR दाखल होण्याची प्रक्रिया चालू आहे, त्याच्यानंतर आपण पूर्णपणे सांगू शकतो की किती आरोपी आहे। ज्वालनाचे सीनियर संवाददाता शब्बीर पठाण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।